नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज फिर से आई है। ठीक है, तो टाटा एडवांस की तरफ से दोस्तों लगातार वैकेंसीज आपका आ रही है और अभी फिर से नई वैकेंसीज आया है ऑपरेटर, असेंबली और पेंटर के लिए, जिसके लिए आपका ITI या अपने NSC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस से सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से। और टाटा की तरफ से दोस्तों हर मंथ में एक या दो वैकेंसी रेगुलर आ ही जाती है। ठीक है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से कोई भी वैकेंसीज का अगर आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि टाटा एडवांस की कोई भी वैकेंसीज आता है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो अभी ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, वर्क एंड ड्राइव एज अ नासिक। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका कहाँ रहेगा? नासिक, बट जॉब लोकेशन आपका हैदराबाद रहेगा। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TASL इज हायरिंग, वर्क लोकेशन हैदराबाद। वर्क इंटरव्यू आपका नासिक महाराष्ट्र में होगा बट आपका जॉब लोकेशन दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में जर रहेगी। ठीक है, इसमें जो पोस्ट रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर असेंबली और पेंटर की पोस्ट रहेगा और क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों आपका ITI फिटर एंड अप्रेंटिसशिप मांगा गया है दोस्तों NCVT से। ठीक है, तो आपके पास ITI फिटर या अप्रेंटिसशिप है NCVT से तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों, कम से कम आपको 3 साल के लिए एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, मतलब होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो आपने अगर ITI फिटर से किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं NCVT से और साथ ही 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अगर बात करें असेंबली के लिए तो एक्सपीरियंस इन एरोस्ट्रक्चर असेंबली विद हैंड ऑन एक्सपर्टाइज इन ड्रिलिंग, रिमाइनिंग, रिवाइटिंग एंड फास्टनर इंस्टॉलेशन, स्किल्ड इन इंटरप्रिंटिंग इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग एंड प्रोफिशिएंट इन यूजिंग हैंड एंड कटिंग टूल्स। ठीक है, तो असेंबली के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको इससे रिलेटेड जो इसके जो भी आपने फिटर ट्रेड से ITI किए हैं और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस है ड्रिलिंग वगैरह का, रिमाइनिंग वगैरह का, ये रिवाइटिंग वगैरह या फास्टनर इंस्टॉलेशन वगैरह के, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपका कटिंग टूल्स और हैंड टूल्स आपको यूज़ करना आना चाहिए और साथ ही दोस्तों आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह जो होता है मैकेनिकल सेक्टर की, वो ड्राइंग वगैरह भी आपको रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्किल्स हैं और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है एरो स्ट्रक्चर का तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर अदरवाइज आप किसी भी अदर कंपनी के आपने कहीं जॉब किया है फिटर ट्रेड से और इससे रिलेवेंट हैंड टूल्स वगैरह आपको आता है, ड्रिलिंग वगैरह आपको आता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और पेंटर के लिए अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर स्किल इन मैनुअल पेंटिंग एंड पेंट मिक्सिंग ऑफ एरो स्ट्रक्चर एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, प्रोफेशन इन रीडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग विथ एक्सपर्टाइज इन आइडेंटिफाइंग एंड रिसॉल्विंग पेंट डिफेक्ट्स। तो पेंटर के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपको अगर इस रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप इस इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू आपका कब होगा? 17 नवंबर को इसका इंटरव्यू होगा, संडे को। ठीक है, और सुबह 10 बजे से इसका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, शाम 6 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। और इंटरव्यू के लिए अगर वेन्यू की बात करें तो इस वेन्यू पर आपको जाके इंटरव्यू देना है। यहाँ पर देख सकते हो वेन्यू में होटल कैयराय, प्लॉट नंबर 21, सर्वे नंबर 903, राणे नगर, मुंबई, आगरा रोड, प्रॉन्ट, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस जगह पर आपको जाके आपको इंटरव्यू देना है और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों टाटा एडवांस दोस्तों एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनियों में से है प्राइवेट सेक्टर में और काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जॉब प्रोफाइल अच्छा रहता है, सैलरी भी ठीक ठाक दी जाती है। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं आप इंटरव्यू के लिए तो जा सकते हैं। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।